योगी की दुनिया में आपका वेलकम है और आप ठीक होंगे, हम भी ठीक. अब ये है कि नया ब्लॉग आज शुरू हो रहा है. भाई गाइस, कई दिनों से व्लॉग नहीं आया था. इस चक्कर में मैंने आज मैंने आपको दिखाया था. कल मम्मी ने कद्दू की सब्जी बनाई थी तो वो मैंने एक सिंपल सी रेसिपी डाल दी थी, क्योंकि यूट्यूब मुझे सजेस्ट कर रहा था कि लंच वाले आइडियाज़ बनाओ, मतलब थोड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है. तो मैंने कहा व्हाई नॉट, तो वो मैंने सब्जी दिखा दी थी, आप देख लेना. और गाइस अभी का सीन है, हमने नाश्ता कर लिया है, हम चाय पी रहे हैं और आज से हमारे घर में स्टार्ट होगी. गाइस एक बस 5 मिनट ये चाय पी लूं, 2 घूंट व्लॉग बनाने दो. तो गाइस आज से हमारे यहाँ ऑफिशियली दिवाली की सफाइयां स्टार्ट हो रही हैं. अब मम्मी मुझे पूरा रगड़वा देगी पूरे. तो आज हमें पर्दे उतारने हैं और फिर हमारा जो है एक एक कमरा लेके चलेंगे. तो आज सारे पर्दे उतारूंगी और फिर उसके बाद पीछे वाला कमरा है ना, उससे स्टार्ट करेंगे आज हम सफाई, है ना. यही प्लान है या कुछ और चेंजेस है? वो अलमारी तो दोपहर को देखेंगे, पहले तो पर्दे उतारो. तो पर्दे तो उतारने हैं ना. बस पर्दे उतार के आज पर्दे उतरेंगे, फिर सफाइयां शुरू होंगी. तो आज सिर्फ पर्दे उतारने हैं? पर्दे उतार, पीछे की अलमारी साफ करनी है. तो वही तो कह रहे हैं भाभी जी. गाइज मम्मी सीरियस ही नहीं है दिवाली की सफाई को लेकर, लेकिन मैं आपको एक राज खोलना चाहती हूँ. गाइज जो घर आपको बहुत साफ दिखता है ऊपर से, और लोग करते भी रहते हैं, जैसे हम डस्टिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब हम डीप क्लीनिंग और डीप सफाई और डीप डस्टिंग में जाएंगे ना, बे इंतहा. भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी गंद निकलने वाला और धूल मिट्टी निकलने वाला. हाँ तो ये मैं जनरली बोल रही हूँ, हमारे घर पे नहीं बोल रही, वो एग्जांपल ले रही हूँ कि लोग वो ना हो जाए एकदम से. तो या गाइस ये सबका ही होता है, मैंने ये सोचा समझा और जाना. तो फटाफट चाय पीते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद. इन पर्दों से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले ये 4 पर्दे उतारेंगे, ठीक है, फिर आगे आगे जाएंगे आगे उस कमरे में ऐसे ऐसे कर. गाइस अभी मैं इन रॉड्स को इसलिए नहीं साफ कर रही क्योंकि क्या कहते हैं, जब हम नए पर्दे लगाएंगे ना तभी एक साथ पोछा पाची करेंगे, वरना फिर धूल मिट्टी हो जाएगी, तब भी पोछना पड़ेगा. तो वर्क हार्ड बट स्मार्टली. गाइस एक घंटे में मैं बताती हूँ, देखने में वो इतना बड़ा काम नहीं लगेगा बट मैंने किया है. कुछ कुछ दीवार में ना थोड़े से काले काले से धब्बे हो रहे थे मैल के, जैसे हाथ लग जाते हैं, लगते रहते हैं, तो वो मैंने साफ किए हैं और जितने हट सके उतने हटे. सारे पर्दे हटा दिए. बस एक ड्राइंग रूम के बचे हैं, ड्राइंग रूम के लास्ट में हटाएंगे, क्योंकि ये जो पर्दे हैं ये सारे धुल के दोबारा से लगेंगे, लेकिन ड्राइंग रूम वाले आगे वाले कमरे वाले, वो एक और पेयर है वो लगेगा, तो उसको उतारेंगे और लगा देंगे, है ना. तो गाइस अभी तो ये सब चल रहा है और मेरे लिए बन रहे हैं आज छोले. मैंने रात को ही भिगो दिए थे, ये छोले बन रहे हैं और स्पेशली मेरे लिए बनेंगे. कौन है? भटूरे. गाइस भटूरे बनेंगे मेरे लिए और छोले भटूरे का आज प्लान है. अभी मैं और भी काम कर रही हूँ तो स्टे ट्यून गाइस, आपको पता नहीं चलेगा बट मैं काम कर रही हूँ. क्या बात है सर. गाइस यहाँ पे ना मम्मी पापा के लिए खाना बना के भेज रही है. पापा के लिए पूड़ी बनेगी और हमारे मेरे लिए ये भटूरा. और ये मैंने सब्जी तो आपको दिखा दी थी. और मन्नू देखो कितनी सारी ग्रीन ये लाया है, बथुआ,
और धनिया, जब तक हमारा धनिया नहीं हो रहा है, मेथी, ये सारी चीजें लाया है। अब मिर्चे भी हैं इसके अंदर, क्या बनाओगे आप इसका? अच्छा गाइस, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ कि जो मैंने धनिया बोया था ना, उसके इतने इतने छोटे छोटे से ना ऐसे आ रहा है कुछ कुछ, पता नहीं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, होप मतलब आप देख पाओ। एक तो ये, ठीक है, और एक ये, ये ये है ना, मतलब बहुत एक दो जगह आ रहे हैं। अब बस ये देखना है कि ये धनिया ही है या कुछ और है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं लेट्स सी, दो चार दिन में क्लियर हो जाएगा। और ये हमारी हाय हाय, तो गाइस देखते हैं धनिया आ ही जाए, चार पांच दिन में तो बड़ा हो जाना चाहिए। और अब बस पापा का खाना पैक करते हैं और फिर खुद खाती हूँ। गाइस मैं जिम से आ गई हूँ और आज मैंने पूरा शोल्डर्स और आर्म्स करे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बाकी मम्मी कपड़े धो रही है। मम्मी पर्दे भी धो रही हो? गाइस पानी इतनी दिक्कत कर रहा है ना, सुबह भी लेट आता है और अभी भी लेट ही आता है भाई। पता नहीं 7:30 के लगभग आया था पानी और अब मम्मी कपड़े धो ही रही है और 9 बज गए हैं, पापा भी नहीं आए और हमने ये उतारे हैं ना पर्दे, तो हमारी आवाज़ एको कर रही है, गूंज रही है पूरे घर में, और क्या कहते हैं, गूंज रही है। लेकिन ऐसे ही रहने वाला, दिवाली से दो तीन दिन पहले ही लगाएंगी मम्मी पर्दे। और गाइस मैं यही बताना चाहती हूँ, हम जब मैंने व्लॉगिंग नहीं, बीच में दो तीन दिन व्लॉग नहीं बनाया, उसमें हम मंदिर के कपड़े सुंदर भैया को दे आए हैं सिलने के लिए। और चीकू की जैकेट आ गई, गाइस चीकू की जैकेट आ गई है, ये देखो, तो अलाओ पहनाओ, आप पकड़ो कैमरा कैमरे, चीकू की जैकेट आ गई है। वाह वही वाह, पहनानी कैसे है? अच्छा गाइस ये तो कॉलर है, ये मुझे ऐसा लग रहा है टाइट है, नीचे से पेड़ से बैठ गई है एकदम से, वो पूरी झुक जाती है, छोटी है मम्मी, हाँ उतार दे, मनु कल बड़ी ले आएगा। देखो इसको ना छोटी आ गई है, यहाँ लग दिखाओ, ये छोटी आ गई है। नहीं 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 ऐसा सिस्टम नहीं है, सही है, पिनाई गलत रहे थे, ये चिपकेगा, ये मैं ऐसे सोच रही थी लेकिन ऐसे चिपकेगा। बाबू बन गया, ये तो बाबू भी नहीं है, छोटा सा सुंदर बाबू। ओए गाइस चीकू की नई होली, सुंदर सुंदर, ये तो बाबू लाकर बुलाए थे भैया, सुंदर बाबू। गाइस मन्नू तो लाया था मेथी और ये बथुआ, मम्मी ने सारा काट पीट के रख लिया, पापा भी ले आए, पापा ये शिमला मिर्च लाए हैं, और ये गाइस जो राहुल भैया है ना जो गाड़ी चलाते हैं, वो आगरा गए थे, वहां से ये पान वाला पेठा लाया है। तो खोलना इसको, कैसे खुलेगा? ओ गाइस इतनी सुंदर पान की खुशबू आ रही है, देखो पान वाला, इसको मैं, इसके अंदर फिलिंग भी ना पान, ओ भाई पूरे गुलकंद की खुशबू आ रही है, रात को खाएंगे। ये करेले लाए पापा, मिर्चे और अदरक, और ये सेब आए हैं, कितने रुपए मिले ये सेब, छोटे छोटे वाले? सही लिया, सही गाइस ये सही रेट में मिल गए, पापा डिस्क्लोज नहीं करना चाहते और क्या लाए? और यस ये चुनरी लेके आए हैं तुलसी माता के लिए, वो कार्तिक स्टार्ट हो गया ना, तो अब चुनरी, कल सुबह चुनरी पहनाएंगे और चूड़ी पहनाएंगे तुलसी माता जी को, क्या लाल मिर्च पाउडर। गाइज जैसे कि आपको, आपसे आप लोगों को पता होगा कि शरद पूर्णिमा है, तो मम्मी ने ये खीर बना दिया और इसमें तुलसी का पत्ता इसलिए डाला है क्योंकि आज चंद्र ग्रहण, गाइज चंद्र ग्रहण भी है, तो वो वैसे तो 1 बजे से स्टार्ट होना है, मैंने पढ़ा था, मम्मी ने बोला था कि चेक कर, तो रात को 1:04 पर स्टार्ट होना है, बट कुछ उसका, उसके जो इफेक्ट होता है वो पहले से स्टार्ट हो जाता है, तो वो दोपहर को नहीं, शाम को 4 बजे से स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए मम्मी ने ये तुलसी के पत्ते डाल दिए चीज़ों पे। अब पापा कह रहे हैं कि
थोड़ी देर एक बजे से स्टार्ट होना है ना, तो थोड़ी देर चांद के नीचे रख देते हैं, और उससे क्या होगा, ये माना जाता है जब शरद पूर्णिमा के दिन चांद की किरणें किसी भी चीज़ पे पड़ती है तो वो अमृत बन जाती है। और हम कई सालों से रखते आ रहे हैं, ऊपर एक बाल्टी में चुन्नी से ढक के ऐसे रखते हैं, टांग देते हैं, और उससे क्या होता है कि फिर थोड़ी देर में उतार देते हैं। और स्टार्टिंग में तो हमने पूरी पूरी रात रखी थी, सुबह सुबह उतारते थे, लेकिन अभी दो चार सालों से ना दो चार घंटे में उतार लेते हैं, तो अभी भी हम आधा पौना घंटा रखेंगे, और जब रखेंगे तो आपको दिखाऊंगी। अभी तो यही अपडेट, पापा खुद काट। गाइस हम जा रहे हैं शरद पूर्णिमा वाली खीर को चांद की किरणों पे रखने के लिए। वो रहा चांद, ये देखो, और ये रही खीर। ये इससे बांधो इसमें, अरे ये तो ये तार बांधो ना। गाइस हमने जुगाड़ कर दिया है, देखो वो रहा चांद, और ये रही ये देखो, ये बिल्कुल डायरेक्ट आ रही है, और एक डेढ़ घंटे के लिए रख देंगे। ये देखो मेरी खीर, बोला चांद। चलो चीकू कैंडी नीचे आओ, गाइस थोड़ी देर में अब आएंगे, 12 बजे के तकरीबन। चाय चल रही है, 11:30 बज चुके, चाय और नमकीन, सबने चाय पी ली, बस मेरी रह गई है। मैं फटाफट चाय पीती हूँ वरना ठंडी हो जाएगी, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस गाइस, मेरे हाथ में ट्रे है। Peace.